हेलो दोस्तों, नमस्ते। और आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। और जहां तक हम जानकारी लेना चाहेंगे कि आप लोग बिहार एसटीटीसी रिजल्ट से रिगार्डिंग आप लोग का ज़्यादा क्यूरी है, क्या रिजल्ट से हमारा वैकेंसी फिलअप हो जाएंगे इस साल या नहीं, क्या वैकेंसी आएंगे कि एसटीटी के द्वारा और नहीं, तो इन सभी मुद्दे पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको एक चीज़ बता देता है कि आप लोग जो ख्वाब पाले हैं ना कि हम बिहार में टीचर बन जाएं कृषि वाले, वो आपका कतई पूरा होने वाला नहीं है। जिस तरह से आप लोग की रवैया है और सिर्फ व्हाट्सएप ज्ञान और फेसबुक ज्ञान देते हैं, उससे कुछ नहीं होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि रियली वैकेंसी आए, तो आप लोग को दिख रहा होगा कि कैसे वैकेंसी आते हैं, इतना जल्दी नहीं आ सकते हैं। एक तरफ कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जो बिहार में जो वैकेंसी नहीं आ रहे हैं, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही नहीं है स्टूडेंट के पास, तो कैसे आएंगे, जबकि एसटीटी हुआ नहीं तो कैसे बिहार सरकार वैकेंसी दे देंगे। दूसरी तरह की ये है कि जब एसटीटी हुआ और रिजल्ट आने वाली है और द्वितीय चरण की जो शिक्षक बहाली होने वाले हैं 90,000, उसमें फिर एग्रीकल्चर वाले को तो इंक्लूड करना चाहिए। पहले चरण में नहीं हुआ तो दूसरे चरण में तो इंक्लूड करना चाहिए। इस सारी चीज़ों की बात बताएंगे। लेकिन आपको उससे पहले पता ही होगा कि हम लोग पटना गए थे, जिसके कारण हमने आवेदन भी दिए थे मुख्यमंत्री सचिवालय, और सचिवालय भी गए थे, फिर पुराने सचिवालय के बाद में हम फिर न्यू सचिवालय में भी गए थे, जहां पर मुझे 3 बजे से इंतजार करते करते हुए 6:30 बजे हमें मिलने का मौका मिला सर से, IAS बैद्यनाथ यादव सर से, जिन्होंने वो सचिव हैं शिक्षा विभाग के, उनसे हमसे मुलाकात हुआ। जिन्हा वहाँ पर उन्होंने बोले कि इस मैटर पर हम देखेंगे। सारी जानकारी उनको आवेदन के रूप में दे दिया गया था। हम 5-6 लोग गए थे और साथ में टोटल 8-10 लोग ही आ पाए थे पटना। तो देखिए, बिहार में सबसे बड़ी जो वैकेंसी में, कोई भी वैकेंसी में लेट लतीफा होने के ये कारण है कि आप लोग इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्टेड है तो सोचते हैं कि हम PhD कर रहे हैं, चाहे MSc कर रहे हैं, हमारी जॉब्स है, तो ये सारी चीजें ना डेली आएंगे ही, आपको डेली के डेली आते ही रहेंगे। ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन आपका एग्जाम ना हो। लाइफ क्या है, जिंदगी एक एग्जाम ही है, डेली आपकी परीक्षा लेती ही है। तो इस चीज को भूलिए। और जो लोग सोच रहे हैं कि टीचर बनने के लिए, तो उसके लिए आवाज उठाइए। आप लोग ज्यादा से ज्यादा मेल करिए, साथ में जो आवेदन है ना उस पर अच्छे से आप लोग पढ़िए और उसको देखिए, और क्यों वैकेंसी नहीं आ रहे हैं। वैकेंसी आने के चक्कर में आप लोग एक चीज बहुत चीज बर्बाद कर रहे हैं कि STT का रिजल्ट कब आएगा, STT का रिजल्ट कब आएगा। तो हम ये भी बता देते हैं, STT का रिजल्ट जब आना होगा आएगा, उसको 1 सप्ताह ले चाहे 2 सप्ताह है, जब तक रिजल्ट तैयार नहीं होगा वो कभी भी किसी भी सब्जेक्ट का रिजल्ट नहीं देंगे। जहां तक रहा बात करेक्शन वाली फैक्टर में, तो बहुत सारे क्वेश्चन गलत हैं और गलत ही होंगे, और उनको करेक्शन करना ही होगा, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन देखे तो हर एक सब्जेक्ट में उन्होंने गलत क्वेश्चन दिए थे, गलत क्वेश्चन के साथ गलत ऑप्शन भी पेश किए थे कुछ क्वेश्चन के, जिसको हम लोगों ने चैलेंज किए थे, आप लोग भी चैलेंज किए थे। और एक ऐसा अफवाह है कि जो लोग चैलेंज करेंगे उन्हीं को मार्क्स मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्त, हम आपको ये बता रहे हैं। और रहा तक BO की बहाली के क्या अपडेट है, तो BO की बहाली के बारे में हम जल्द अपडेट देंगे। लेकिन उससे पहले एक बात जान लीजिए कि हमारा नया बैच जो है 1 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, और दोपहर की टाइमिंग है क्लास की, ऑफलाइन ऑनलाइन डेमो भी देंगे, 7 दिनों का डेमो देंगे। ऑफलाइन सेंटर पर जिनको डेमो आना होगा डेमो भी ले सकते हैं। और ये चीज़ तो कह रहे थे, लेकिन आपको एक चीज़ फिर से बोल रहे हैं, वैकेंसी इस बार आने की संभावना नहीं है। तो जब जरूरत होगी डिपार्टमेंट को तब देंगे, लेकिन अगर आप लोग प्रयास करिएगा तो हो सकता है कुछ रिजल्ट निकले और इसी के बीच में द्वितीय चरण में शामिल होने का मौका मिले। लेकिन हमारे तब से ये प्रयास जो है बहुत कम है, क्योंकि हमें जो करना था हमने बिहार सचिवालय, मुख्यमंत्री आवास, मुख्यमंत्री सचिवालय के पास गए, इन सारी चीज़ों के मुद्दे के बारे में हमने बात की। और जो भी होगा बिहार से वैकेंसी से रिगार्डिंग हम हमेशा बात करते रहेंगे, आपको कुछ भी गलत नहीं बताते हैं। आप हमें इसे ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमेशा अपडेट रहिएगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे, और व्हाट्सएप पर फॉलो भी करना मत भूलिएगा। तो इसलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, धन्यवाद।